हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिम्रांतस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवै नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं विस्थापितं येन भूतले श्रव्यं रूपकदमयं ददाति सोपतांतिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री आदर्श भक्तवंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीना बंधु जगतपते गोपेश गोपी का कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गोरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणामामि हरि प्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णवों, कृष्ण कृपा से एक दिन हरि कथा के साथ और मिल गया और ये मेरे ठाकुर की बहुत बड़ी मेहरबानी है, बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ा एहसान है। मैं इन दिनों भगवद गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। हर श्लोक की अपनी एक महिमा है, हर श्लोक की एक महत्वता है, हर श्लोक अपने आप में एक संपूर्ण ज्ञान रखता है। मेरी बहनों मेरी माताओं वो लेकिन इन सब 700 श्लोकों का जो मूल रूप से सार है वो मूल रूप से सार है कृष्ण की शरण लेना। जो कृष्ण कहते हैं ना कि अब मैं तुम्हें सबसे गोपनीय ज्ञान सुनाने वाला हूं, गुप्त ज्ञान सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट सीक्रेट सुनाने वाला हूं। और अपने हित के लिए सुनो, अपने भले के लिए सुनो। भगवद गीता 18वां अध्याय और 64वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं वक्ष्यामि ते हितम। मेरी माता बहनों मित्रों, भगवान जो है ना सदैव हमारा भला चाहते हैं। एक पिता अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं सोच सकते हैं, ऐसे कृष्ण हमारा सदैव भला सोचते हैं, सदैव भला सोचते, सदैव भला सोचते। और अब इस कली काल में इस कोरोना की महामारी ने जीवन को इतना अकेला बना दिया है कि समझ आ रही है कि वास्तव में हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारी ना कोई हैसियत है, हमारी ना कोई औकात है। इसलिए अब बिना किसी विलंब के
कृष्ण की इस बात को स्वीकार करना चाहिए, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। इस बात को हमें तुरंत बिना किसी विलंब के स्वीकार कर लेना चाहिए कि अब मुझे कृष्ण भक्त बन जाना चाहिए। मेरी बहनों माताओं मित्रों, अब पीछे मुड़कर देखने से कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो गया पास्ट। आने वाला हमारे हाथ में अभी तक आया ही नहीं है, आज अभी हमारे हाथ में है। इसलिए कल की बात छोड़ो, कल की बात पुरानी, जो किया जो हुआ, जो गलतियां की, जो भी हुआ वो कल इमीडिएटली कृष्ण शरण में चले जाना चाहिए। और जिस क्षण हम कृष्ण शरणागति हो जाते हैं, कृष्ण तुरंत हमारी जिम्मेदारी उठा लेते हैं। जैसे एक स्त्री जैसे ही किसी पुरुष को पति के रूप में उसको स्वीकार कर लेती है, वो आदमी पुरुष तुरंत उसकी सारी जिम्मेदारी उठा लेता है। मेरी महत्व बहनों मित्रों वैष्णवों, कृष्ण वास्तव में हमारी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है अगर हम उनकी शरण में चले जाते हैं तो। फिर वो नहीं देखते हम कैसे हैं, याद रखना मैं क्या कह रहा हूं, वो नहीं देखते हैं कि हम कैसे हैं, हम साधु हैं, हम दुष्ट हैं, हम सत्कर्मी हैं, हम पापी हैं, हम सन्यासी हैं, हम गृहस्थी हैं, हम वानप्रस्थी हैं, हम ब्रह्मचारी, हम कौन हैं, वो ये नहीं देखते। अगर वो देखते तो कैसे कहते अहं त्वांग सर्व पापे भयो। ये बात बड़ी समझने की है। अगर वो देखकर स्वीकार करते तो ये कहते ही नहीं अहं त्वांग सर्व पापे भयो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। लेकिन कृष्ण नहीं देखते, बस आप उनकी शरण में चले जाओ। दिन ब दिन कलिकाल, पता है सतयुग में देवता इस धरती पे रहते थे, आपको पता है देवलोक से धरती पे रहते थे, ये हमारी धरती पे देवता लोग रहते थे। फिर द्वापर त्रेता में जब कभी ओकेशन होते थे उनका आह्वान किया जाता था तब आते थे इस धरती पे। लेकिन कलयुग में अब देवताओं ने धरती पे आना छोड़ दिया है। ये कलिकाल इतना खतरनाक है, इसमें पाप इतने बढ़ जाएंगे कि हर और पाप का राज होगा। हर और पाप, कलयुग का इतना प्रभाव बढ़ जाएगा और पाप क्या बन जाएगा, फैशन। पाप करने को लोग बुरा नहीं मानेंगे, वो फैशन बन जाएगा, बल्कि आगे जाके तो पाप जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा, जीवन शैली बन जाएगा। अगर आप विदेशों में जाओ तो आपको इस चीज का बहुत नजदीक से अनुभव हो।
मेरी बहनों माता मातरों, और हम भी इंसान हैं, हम भी तो प्रभावित हो ही जाते हैं ना, क्योंकि जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हम पे बीत रही है, हम प्रभावित तो हो जाते हैं ना मेरी माताओं बहनों मित्रों, क्योंकि हम कोई पत्थर के तो नहीं बने हैं। इसलिए मैं कहता हूं अब मौका है, फायदा ले लो। जैसे सरकार कोई स्कीम निकालती है और सब लोग उस स्कीम का फायदा लेते हैं ना, ऐसे कृष्ण ने भी हम सब जीवों के उद्धार के लिए ये भगवद गीता में एक स्कीम दी है। और भगवद गीता में क्या स्कीम दी है? मन मना भव मद भक्तो मत याजी माम नमस्कुरु। मेरा ठाकुर कितना दयालु है पता है, मेरा गोविंद। हाँ, मेरा गोविंद, आप सब भी बोलो मेरा गोविंद। मेरा गोविंद, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो गोविंद। सबसे तो हमने मेरेपन का रिश्ता जोड़ के देख ही लिया ना, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा घर, मेरी कार, मेरा बैंक बैलेंस। लेकिन अंत में क्या हुआ, अंत में रिजल्ट क्या आया? हम अकेले रह गए। हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे। जिनको मेरा 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 कहते 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 हमारी जबान सूख जाती, वो भी कभी मेरे बने तो नहीं ना। मेरी माता बहनों मित्रों, ये चिड़िया का घोंसला देखा, चिड़िया का घोंसला, उसमें जब तक बच्चों के पर नहीं होते ना, तब तक वो घोंसले में रहते हैं। जब पर आते हैं ना तो उड़ जाते हैं। ऐसे हमारे जीवन में भी एक घोंसला है, और जो हमारे जीवन के लोग हैं, जब तक उनको हमारी ज़रूरत होती है, वो हमारे घोंसले में रहते हैं, फिर तो उनके पर आते हैं और वो उड़ जाते हैं, उड़ जाते हैं, और हम वही अकेले के अकेले रह जाते हैं। इसलिए मेरो गोविंद बोलो, मेरो गोविंद, मेरो गोविंद। तो मेरा ठाकुर कितना दयालु है कि वो हमें रोज एक अवसर देता है। जब हमारी आंख खुलती है ना सुबह में, तो सोचो एक मौका और सही, एक मौका और मिल गया, स्कीम का फायदा लो। जैसे कहते हैं ना, ये 31 जुलाई तक स्कीम चलेगी, फिर गवर्नमेंट के टी 10 दिन और बढ़ा दिए। लोग कहते अरे स्कीम का फायदा लो, 10 दिन और बढ़ गए। ऐसे हमारे जीवन में रोज एक दिन बढ़ता है, इसका हमें फायदा लेना चाहिए। अब फायदा कैसा ले? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण भजन, चूंकि कलयुग में सर्वशक्तिशाली जो है वो नाम है, कृष्ण नाम, हरि नाम, राम नाम, मेरे प्रभु का नाम। मेरे हरि का नाम, मेरे गोविंद का नाम, प्यारा प्यारा हरि का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप नाम जपो, नाम अपना काम खुद करेगा। जैसे इंसान पैसे कमाता है ना, तो पैसा अपना रंग दिखाता है ना,
ऐसे आप नाम जपो, नाम अपना रंग दिखाएगा। और मौका है, फायदा लो। मौके से पूरा पूरा फायदा लो। मेरी माताओं बहनों मित्रों, भगवान ने दया करके गीता हमें दी है और गीता में यह संदेश दिया है, सर्वधर्मान प्रत्यायजे माम एकम शरण भज अहं त्वां सर्व पापे भय मुक्षाशमि मा सुच। तुम आओ मुझ शरण, मेरी अकेले की शरण ले लो, मैं अकेला ही तुम्हारे लिए काफी हूं। वो उस दिन एक गाना चला था, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। बस तो ये गोविंद के साथ इम्प्लीमेंट करो ना, हे कृष्ण मेरे लिए आप काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो कृष्ण। बस इसलिए मैं उम्मीद करता हूं मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णवों इस मौके का फायदा लेंगे, कृष्ण शरण लेंगे, कृष्ण भजन करेंगे। आज हमारे हाथ में है, अभी हमारे हाथ में है, और अभी का सदुपयोग यही है कि कृष्ण भजन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज कहे सो काल करूंगा, काल कहे सो काल, काल काल करते अवसर जाएगो चाल, हाथ से मौका निकल गया, हाथ से मौका निकल गया, हाथ से मौका। आप सावधानी से हाथ से मौका मत जाने देना। आप हाथ से मौका नहीं जाने देना, प्लीज इस मौके का पूरा पूरा लाभ लेना भजन करके। कृष्ण प्रसाद, कृष्ण कथा, कृष्ण गुण, कृष्ण नाम, कृष्ण 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 कृष्ण, उड़ना बैठना सोना जागना उठना सोचना कृष्ण। कृष्ण आय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद को प्रणाम करते करते जीवन बिताओ, उठते बैठते गोविंदाय नमो नमः, उठते बैठते सोते जागते गोविंदाय नमो नमः। मेरे गोविंद को प्रणाम करते चले जाओ। हाँ गोविंद मेरा है, आप भी बोलो गोविंद मेरो है, वही तो मेरा है, बाकी तो रैन बसेरा है। वही मेरा है, बाकी सब रैन बसेरा है। ये सब चिड़िया का घोंसला है, जिसके पर आए उड़ जाएंगे और हर एक अपनी अपनी दुनिया में खो जाएगा। हम अपने कर्म भोगने के लिए अकेले रह जाएंगे। इसलिए डंके की चोट पे मैं कहना चाहता हूं, हरि नाम लो जन्म धन्य हो जाएगा। कृष्ण नाम से अपने आप को जोड़ लो, धन्य हो जाओगे। कृष्ण नाम से अपने आप को जोड़ लो, धन्य हो जाओगे। मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णवों, ये अवसर मिला, इस अवसर का जिसने फायदा नहीं लिया बाद में बहुत पछताता रहेगा। और उस समय पछताने से क्या फायदा, जब हाथ से सब कुछ निकल गया। अभी कुछ भी नहीं निकला, अभी सब कुछ हाथ में है, इसका लाभ लो इमीडिएटली, बिना किसी विलंब के कृष्ण शरणागति होकर कृष्ण भजन करो। कृष्ण का ही अपना आसरा और सहारा मानते हुए उन्हीं के आश्रय चले जाओ, जीवन धन्य हो जाएगा। मेरा ठाकुर आप सबों की रक्षा करें, आप सब सुखी रहो, सुरक्षित रहो, आपको बहुत ढेर सारा कृष्ण प्रेम मिले, कृष्ण कथा से जीवन जोड़ लो, आप धन्य हो जाओगे। नित्य भजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।